अभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अभी एक साल है, अभी कर्नाटक का चुनाव चल रहा है, फिर 3-4 राज्यों का चुनाव आएगा, इन चुनाव से फिर 2024 का हम देखेंगे। और 24 के लिए ये पक्का है कि जब आदमी उम्मीदवार उतारता है तो सारे मापदंड होते हैं, सारे आकलन होते हैं, सारे सर्वे होते हैं, उसके बाद चिंतन करेंगे सारा। जो बूथ हमारे कमजोर बूथ थे, जो पिछले लोकसभा में नहीं जीत पाए, तो हमने तय किया है कि सांसदगण महीने में 15 बूथों पर उनका प्रवास होगा। उसके कार्यक्रम जहां पार्टी संगठन तय करेगा, वहीं सांसदों से विचार विमर्श के लिए हम जिले में एक पदाधिकारी सांसदों के कार्यक्रम की दृष्टि से हम तय करेंगे। इसके साथ साथ 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती है, अम्बेडकर जयंती के लिए भी उन्होंने सांसदों के कार्यक्रम भिन्न भिन्न मंडलों में लगाए, उसकी जानकारी सांसदों को हमने दे दी है। बड़ी अच्छी संख्या में जो अम्बेडकर अनुयायी हैं और समाज के हर वर्ग के वो संविधान निर्माता रहे हैं, तो एक अच्छे प्रबुद्ध जनों का कार्यक्रम उनके सांसदों के सामने हो, इसकी रचना बनाई। इसके साथ साथ 30 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम 30 अप्रैल और 100 एपिसोड है, इसलिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए जो बहुआयामी प्रतिभा के जो धनी लोग हैं, उन सब लोगों के साथ भी सांसदों को बैठने में तय किया। जैसे हरिद्वार के सांसद नरेंद्र जी को हमने कहा कि प्रमुख संत समाज के साथ वो मन की बात को सुने। इसी प्रकार अजय भट्ट जी का जो अपना खटीमा से लेकर पूरा जो क्षेत्र है उसमें जनजाति समुदाय के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उनके साथ मन की बात को सुने। और इसके अलावा हमारे तीरथ जी है तो उनको कहा कि पूर्व सैनिक हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके साथ मन की बात को सुनेंगे। अजय हमारे अजय टमटा जी तो जो हमारे धातु से संबंधित जुड़े हुए जो लोग हैं, ऐसे अनेकों व्यवसायी हैं, उनके साथ बैठकर वो मन की बात को सुना। सभी सांसद कार्यक्रम तय किए। इस बार मुस्लिम समुदाय के बीच में मन की बात का कार्यक्रम हो जाए, हमारे जैन समुदाय के बीच में मन की बात का कार्यक्रम हो, इस दृष्टिकोण से हम अनेकों मंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में लगाएंगे।